सो गाइस गुड मॉर्निंग। अभी जो है सुबह के 7 बज रहे हैं और जो है मैंने भी सोचा कि जो है जो पीछे कोहरा लगा हुआ है पहाड़ों पे, यानी और दिन देखते होंगे कि आप पीछे साइड जो पहाड़ आड़ दिखाई देते होंगे काफ़ी अच्छे पहाड़, तो अभी सुबह कोहरा होने के कारण जो है पीछे पूरा सफेद है। मैं आगे का कैमरा करके आपको दिखाता हूँ, गाइस देख लो पूरी चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। और जो अभी मैं शंकर भाई के छत में आया हूँ, मेरे जस्ट घर के बगल में इसका घर है। मैं आपको अपना घर दिखाऊं तो ये जहाँ पे आप देख रहे हो ये काम वाम चल रहा है, ये मेरा ही घर है। ऊपर पे जो है आने वाले टाइम में यहाँ सेटअप बनेगा मेरा, लास्ट वाले कमरे पे जो है सेटअप बनाने की सोच रहा हूँ मैं। दुनिया के जो है 4 बज रखे हैं और आप देख सकते हैं मौसम किस प्रकार भयानक हो रखा है और आज होने वाली भयंकर बारिश। सो गाइस इसलिए मैं अभी घूमने नहीं जा रहा हूँ, अब कल सुबह मिलते हैं आपको। तो ये धारा है यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, तो दोस्तों हम धारे के काफ़ी समीप पहुंच चुके हैं। काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि धारे की जो है वीडियो दिखाओ वीडियो, तो गाइस आज मैंने सोचा धारे का सीन भी आपको दिखाऊं। तो धारे के नज़दीक हम पहुंच चुके हैं, तो गाइस कुछ इस प्रकार का है हमारा धारा अपना। तो गाइस अभी जो है शाम के 5 बज रखे हैं और जो है धारे का पानी बिल्कुल गर्म है, यानी प्योर पानी, साफ पानी और बिल्कुल गर्म पानी मिलेगा आपको। और सुबह आओगे सुबह आपको यहाँ का पानी जो है ठंडियों के टाइम पे गर्म मिलेगा और गर्मियों के टाइम पे ठंडा। तो गाइस हमारा धारा कुछ इस प्रकार के है, आपको मैं थोड़ा इधर का दिखाता हूँ सीन। इधर भी एक धारा मौजूद है और जो है थोड़ा मैं इधर का सीन, जो बाथरूम है, बाथरूम तो बिल्कुल भुस्त हो चुका है, मतलब काफ़ी जो है गंदगी है बाथरूम में। बाथरूम नाम से खाली, यानी अंदर इसके कुछ नहीं है, यानी सब मतलब बेकार कर रखा होगा। आप समझ ही होंगे किस टाइप का बेकार बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। मैं वहाँ का सीन दिखाऊंगा तो आप जो है खाली नाराज़ हो जाएंगे। तो गाइस नीचे भी कार भी मौजूद है और जो है ऊपर कैंटीन है, जैसा कि मैंने पहली वीडियो में काफ़ी वीडियो में बता दिया है कि ऊपर कैंटीन स्कूल मौजूद है। और गाइस नीचे भी धारा मौजूद है स्कूल के नीचे भी, जस्ट किसी जो स्टूडेंट को अगर किसी स्टूडेंट को अगर प्यास लग जाए तो उसकी प्यास बुझाने के लिए जो है यहाँ पे धारा बनाया गया। ऊपर पे रूट है जैसा कि मैंने आपको बता दिया। मैं यहाँ रोज़ आते रहता हूँ तो मैंने सोचा कि उन्हें अपनी गांव की ब्लॉगिंग भी बनाई जाए। काफ़ी लोग जो है अलग अलग जो है शहरों से जो है अपनी अपनी शहरों की ब्लॉगिंग करके जो अपने शहरों को जो है काफ़ी अच्छा बना रहे हैं। सो गाइस इसलिए मैंने भी जो है ब्लॉगिंग करनी स्टार्ट की। और यहाँ पर शिशु मंदिर स्कूल मौजूद है जहाँ कक्षा 5 तक के बच्चों का स्कूल है। सो गाइस शाम का यहाँ कुछ ऐसा मौसम होता है काफ़ी अच्छा और जो है सुहाना मौसम। अभी हम जो है अपनी सीट चेक करने जा रहे हैं क्योंकि कल हमारा हिंदी का टेस्ट है, तो काफ़ी गांव से बच्चे आएंगे यहाँ पेपर देने, तो सोचा कि हम भी अपनी सीट देख के आए ताकि कल को कोई दिक्कत ना हो सीट देखने में, क्योंकि यहाँ काफ़ी रूमों में जो है कल पेपर होंगे। लगभग 3-4 गांव से यहाँ पेपर देने आते हैं बच्चे 12th और 10th के, तो जो है क्लास ढूंढने में दिक्कत तो होगी, तो इसलिए जो है तो आज हम सीट देखने जा रहे थे यहाँ। सो गाइस ये ऊपर वाला फील्ड है, इसके नीचे एक और फील्ड मौजूद है और उस साइड को जो है ये बच्चे हैं, ये सब अपनी जो है लड़कियां सब जो है अपनी सीट देखने आए थे आज। और गाइस जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर पे जो है आपका ये ऑफिस है मौजूद है सब, और वहाँ पे जो आपको छोटा सा जो दिख रहा है वहाँ पे जो है चौकीदार मौजूद है स्कूल का, लाइट आइट भी चालू कर रखी है तभी वहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा कैमरे में। और ये पूरा खंडर हो चुका है, यहाँ जो क्लासेज हैं सारी खंडर हो चुकी हैं, आपको अंदर जाके दिखाता हूँ यहाँ का सीन कैसा है। सो गाइस ये खंडर हो चुका है पूरा, यानी कि यहाँ कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आते, मतलब पढ़ने के लिए नहीं बैठते नहीं है, यानी ये इस टाइप का यहाँ टूटा फूटा जो है पूरा खंडर हो चुका है, इसको वैसे खंडर भी कहा जाता है। और जो ये देख सकते हैं आप 3-4 रूम तो पूरी तरह जो है ख़त्म हो चुका है, इनका कल्याण हो चुका है और जो क्लासेस सब सही हैं यहाँ, सब में जो है स्टूडेंट बैठते हैं अच्छे से। सो गाइस जो ऊपर पे जो है मैं हम अपनी सीटों का पता है इससे करेंगे, जो ऊपर पे जो चीट चिपकाए हैं दरवाजों के उनके ऊपर पे रोल नंबर लिखे होंगे स्टूडेंट्स के, उसके हिसाब से जो है अपनी सीट चेक करेंगे हम। सो गाइस ये यहाँ पे जो है सीटों के नंबर लिखे हुए हैं जिससे हम चेक करेंगे कि हम कौन सी कक्षा में बैठेंगे। सो गाइस ये सारी क्लासेज हैं, आगे तक जो है काफ़ी बड़ा स्कूल है और ये दूसरा फील्ड है नीचे का।
दोस्तों का काफ़ी अच्छा सुहाना मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों में तो मज़ा इन हवाओं की कर रहे हैं जो भी है। तो गाइस भाई अपनी सीट चेक कर रहे हैं, कौन सी है भाई? डूडो डूडो, काफ़ी टाइम लगेगा अभी डूबने में। तो गाइस एक बात की तो खुशी मिली कि चलो मेरी क्लास में गणित वाले तो बच्चे बैठे, मैंने सोचा था कि सारे के सारे कोई आल्ट वाले होंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, मैथ्स वाले सब हैं, यहाँ पे सारी बुक क्लास, ये क्लासेस सब बुक है, जितनी पीछे दिख रही हैं सब बुक क्लासेस हैं। तो गाइस इसलिए शाम को यहाँ आना पड़ता है एक दिन पहले पेपर से, ताकि सबको अपनी सीटों का अनुभव हो जाए और पता चल जाएगी, हड़बड़ी ना हो। तो गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूँ, आज की ब्लॉगिंग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटा बटन जरूर ठोके। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।